ये एक बहुत ब्रेव एंड काइंड हार्टेड पर्सन है एंड इंग्लैंड आर्मी का कैप्टन है बिफोर द वॉर ये डोरसेट में एक टीचर होता है कोनी मैक्सपर्सन ये जिम मैकफर्सन की वाइफ है जो कि अभी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है एंड हैंस वॉल्फ ये जर्मन आर्मी का कैप्टन होता है एंड ये भी वॉर वॉर से पहले एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर होता है और ये जिम मैकफर्सन का फ्रेंड बन जाता है ना लेट्स दमरी फ्रेंड्स ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ऑर्थर ब्रिड पॉट में जंग शॉप पर जाता है उसे वहाँ पर एक टूटा फूटा पुराना सा रोल टॉप डेस्क मिलता है ऑथर डिसाइड करता है कि वो उस रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करेगा और उसे वो लेकर चला जाता है घर पर वो उसे रिपेयर भी करता है क्रिसमस ईफ्ट के दिन तो उसे उस डेस्क के एक ड्रावर में एक लेटर मिलता है वो लेटर को निकालता है तो उस पर एक एड्रेस एंड डेट लिखा हुआ रहता है ट्वेंटी फाइव जनवरी नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन वो उस लेटर को पढ़ता है लेटर को पढ़ता है तो वो लेटर उसे पता चलता है कि जिम एक्स पर्सन ने अपनी वाइफ कोने के लिए लिखा था जिसमें वो डिस्क्राइब करता है कि उसका ये क्रिसमस ईव जो है बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा बीता वो बताता है कोने को इस लेटर में कि जर्मन आर्मी ने कैसे इस बार उन दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें क्रिसमस विश किया एंड फिर जर्मन आर्मी एंड इंग्लैंड आर्मी ने मिलकर क्रिसमस काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया वहीं पे हैंस वॉल्फ से जिम की मुलाकात होती है एज कैप्टन एंड दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि दोनों के ख्याल काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों और दोनों काफ़ी अच्छे सो, अच्छी सोच रखते हैं एक जैसी फिर उन लोगों के बीच एक फुटबॉल का गेम होता है दोनों टीमों के बीच वो लोग प्ले गेम खेलते हैं कैरोल्स गाते हैं काफ़ी मस्ती करते हैं खूब एंजॉय करते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसके बाद लास्ट में सेलिब्रेशन के बाद वो लोग अपने अपने बैरक में चले जाते हैं इस विश के साथ कि वॉर जल्दी ख़त्म होगी और वो लोग जल्दी एक दूसरे से दोबारा एज फ्रेंड्स मिलेंगे नाउ लेटर क्लोज अब लेटर पढ़ने के बाद ऑथर डिसाइड करता है कि वो इस लेटर को कोने के पास जरूर पहुंचाएगा। वो लिखे हुए एड्रेस पर चला जाता है उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि कोने के घर पे आग लग चुकी थी तो वो वो कहीं और कंजर्वेशन में शिफ्ट हो चुकी है काफ़ी बुरी हो, हो चुकी है वो एक वन हंड्रेड वन ईयर्स की हो चुकी है वो कोने से मिलने के लिए वहाँ जाता है वो कोने से मिलकर उसे वो लेटर भी दे देता है जब वो लेटर को देखती है तो उस हैंड राइटिंग को देख कर पहचान जाती है कि वो जिम ने लिखा है और गलती से वो ऑथर को ही जिम समझ बैठी है अपना हस्बैंड और उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया क्योंकि जिम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो वापस ज़रूर आ जाएगा तो उसे देख कर इतनी खुश हो जाती है कि ये गिफ्ट उसके लिए वर्ल्ड बेस्ट गिफ्ट हो जाता है एज क्रिसमस डे पर फ्रेंड्स नाउ समरी खत्म एंड इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो थैंक यू